बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को टिकट ना देने का फैसला किया है। वहीं इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुख्तार अंसारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अगर मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो हम यूपी चुनाव 2022 के लिए उन्हें टिकट देंगे। मतलब साफ है कि मुस्लिम नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और मुस्लिम नेताओं का AIMIM में शामिल होने पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए थे। यूपी में अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोटर काफी हैं और ओवैसी यूपी में सपा को वोट देने वाले मुस्लिम वोटरों पर काफी प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी में ओवैसी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से अधिक अखिलेश पर हमलावर रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिमों ने अखिलेश की सपा को हमेशा वोट दिया लेकिन अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कुछ काम नहीं किया। अब देखना यह है कि यूपी के मुस्लिम वोटर अखिलेश के साथ रहेंगे या ओवैसी के पाले में चले जाएंगे।